जितना बच्चों की लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंट है, जितना उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है फाउंडेशनल ईयर्स के अंदर टीचर और बच्चे की एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज के अंदर से आज मैंने कुछ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बनाई हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को आप पॉजिटिव बनाएं। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आईबेक वंडर। आगे आने वाले कुछ समय के अंदर हम बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दीज समर डेज करेंगे और मैं एनसीएफ फाउंडेशनल, एनसीएफ फॉर स्कूल्स के अंदर से बहुत अहम टॉपिक्स को उठाकर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। पूरे टाइम इन सीरीज के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें और जितना ग्रास्प करना चाहें आप उतना करें, और जितने सवाल आप पूछेंगे या जिन टॉपिक्स पर आप सजेस्ट करेंगे, मैं डेफिनेटली अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत स्पीड के साथ हम इनके ऊपर वीडियोस बनाकर पूरी सीरीज आपके लिए एक के बाद एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर लाते रहेंगे। और आज का वीडियो जल्दी से आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है। पढ़ाई तो बाद में होगी, पहले पॉजिटिव रिलेशनशिप तो सेट करें बच्चों के साथ, क्योंकि कुछ बच्चे लगातार रोते रहते हैं, कुछ स्कूल में तो चुप आते हैं, तीन चार दिन बाद रोने लगते हैं। क्या ऐसे कारण है आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम क्या करें एज अ टीचर जिससे ये रिलेशनशिप ग्रेजुअली पॉजिटिव हो जाए। तो चलिए नोट पेन पेपर आप नोट कर लें, और अब मैं आपको कुछ एक चीज ऐसी बता रही हूँ कि सेटअप चाहे कैसा भी हो, स्कूल का क्लास का सेटअप कितना ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाल वाटिका के लिए हो, ये दो चीजें, दो रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट है क्लास के अंदर, टीचर एंड चाइल्ड। यहाँ पर सारी चीजें आपके पढ़ने के लिए, मेरे लिए एक ही पॉइंट आपको बताना है, दैट टीचर हैज टू बी एम्पैथेटिक। क्योंकि कई बार जब बच्चे घर आ रहे होते हैं तो मम्मी ने बोल दिया कि लड़ाई हो गई मम्मी पापा की, या घर में और माहौल खराब हो गया, बोलते हैं हम मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब बच्चे के कांस्टेंट मन में एक डर बैठ रहा है, माँ मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फादर ने कोई बात बोल दिया, बच्चा जब स्कूल आ रहे थे तो रस्ते में उसने कुछ अजीब सा देख लिया, तो कई बार ये ब्रेन पर माइंड पर बहुत प्रेशर डालता है और बच्चे उस तरीके से एंट्री नहीं ले पाते लर्निंग के लिए। एंड द टीचर हैज टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बैकग्राउंड टीचर को नहीं पता, हर बच्चे का कैसे पता होगा सुबह सुबह आते वक्त, राइट। अब बच्चों को ये फील कराना है कि ये स्कूल उनका, टीचर उनकी, क्लास उनके, रिसोर्सेज उनके, सारी चीज उनके लिए है, एंड दैट इज देयर प्लेस। एक बार ये एस्टैब्लिश हो गया तो फिर देखिएगा कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी। फिर भी मैं आपको इसको एनसीएफ के गुरु मंत्र मानकर ये छह पॉइंट्स को समझेंगे, और छह पॉइंट में पहला पॉइंट ये कहते हैं कि गेटिंग टू नो योर Each child individually. तो एडमिशन फॉर्म कराते वक्त ना बच्चे को व्हाट इज द हॉबी ऑफ द चाइल्ड, व्हाट आर द फेवरेट थिंग्स, घर में मेंबर कौन कौन है, वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें स्टूडेंट पोर्टफोलियो के अंदर टीचर को पता होना चाहिए। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट चाइल्ड रेशियो, जिसको बोलते हैं टीचर चाइल्ड एडल्ट स्टूडेंट रेशियो, भी लिमिटेड होना चाहिए, ताकि आप बच्चों के ऊपर ज्यादा पे अटेंशन कर पाए और कॉन्वर्सेशन बिल्ड करें। बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है, कहते हैं ना कि या तो बच्चों की माँ उनको समझती है या उनकी टीचर उनको समझती है। तो जब आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही ली है तो कई बार बच्चे कुछ ऐसी बातें आपसे कह जाते हैं जो शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, और आप उसको हाईलाइट करके यू कैन डिस्कस एंड ब्रिंग इट टू द अवेयरनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट ऑल्सो। सबसे बड़ी बात, आप बच्चे को हेल्प करेंगे। बच्चों को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करें, कहीं वो सोशल ग्रुप में कंफर्टेबल है कि नहीं, आइसोलेशन में या सॉलिटरी खेलना चाहते हैं, क्या चीज उनको घबराहट देती है, किस चीज से उनके हाव भाव बदल जाते हैं, ऐसी सारी चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या उनको लाउड बोलना अच्छा लगता है, क्या उनको लिखना अच्छा लगता है, कौन सी एक्टिविटी, म्यूजिक कई बार बच्चों को बहुत लाउड लगता है, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ इट, बाहर जाना बच्चों को आउटडोर्स में अच्छा नहीं लगता, किसी किसी को हो सकता है माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी हो जो ग्रेजुअली बच्चे का ओवरकम हो सकता है, वो डरने की बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग इट टू द अवेयरनेस, बट यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। देन एनकरेजिंग चिल्ड्रंस इंट्यूशनल रिस्पॉन्सेस, होता है ना कई बार बच्चे से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, कुछ नहीं, अब इस कुछ नहीं को कुछ में बदलते हैं। देखिए हम जब बच्चों को, कई बार उनको वोकैबुलरी नहीं पता होती वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे एक्सप्रेस करें, सेम चीज है बच्चे से घर जाकर पूछते ना क्या कर रहे, क्या कर रहा आज स्कूल के अंदर, पढ़ाई करी थी, नहीं कुछ नहीं, तो बच्चे का छुट्टी होते वक्त भी व्हेन दे आर गोइंग बैक होम द स्कूल इज गेटिंग ओवर, टेल देम व्हाट दे हैव डन, अ रिकॉल इज गोइंग टू हेल्प देम एस्टैब्लिश व्हाट दे हैव डन, एंड समटाइम्स व्हेन दे आर डूइंग न्यू थिंग्स एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्स, गिव अ वोकैबुलरी, टेल देम व्हाट दे आर डूइंग, योर पार्टिसिपेशन इज गोइंग टू हेल्प देम बिल्ड अ लॉट। फिर बच्चे कि इमोशंस और मूड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए बच्चा ना गुस्से को नहीं जानता है, बच्चा पैदा होते हुए भी स्माइलिंग कर रहा होता है बच्चा, बट घर में कई बार बड़े लोग कहने लगता है इसके तो दादाजी को, इसके चाचा को तो बड़ा गुस्सा आया करता था, नॉक पे बैठा रहता था गुस्सा। अब बच्चे को लगता है कि गुस्सा इज समथिंग व्हिच इज वेरी फैंटास्टिक, पॉपुलैरिटी मिलती है इस चीज से,
अब पॉपुलैरिटी मिलती है तो पॉपुलर तो कौन नहीं होना चाहता, बच्चा भी पॉपुलर होने के लिए गुस्से को अपने नाक पे बिठा लेता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटिंग टू द पेरेंट्स टू हैव बिल्ड द राइट वोकैबुलरी एंड राइट सेंटेंसेस बैक एट होम। पेरेंट्स आपसे कह सकते हैं कि हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम तो नहीं बोलते, पर दादी दादा या और लोग बोलते हैं। जितना हो सके इस चीज को बेटर कम्युनिकेट करें। एंड आई एम श्योर कुछ मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट इंप्रूविंग एंड हेल्पिंग आवर चिल्ड्रन। अब आखिरी पॉइंट जो है ना, डोंट किल मी एज यू रीड दिस, विजिटिंग द होम्स ऑफ चिल्ड्रन। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, हो सकता है आपका स्कूल का सेटअप ऐसी जगह पर हो कि जहां पर या मैनेजमेंट वेर यू डोंट एक्चुअली गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट, या घर भी वेलकम आपको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग, डजंट मैटर, कॉल द होम, राइट। मतलब आप मम्मी पापा से ज्यादा बात करें बच्चों के, पता करें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, टेलीफोन पर बात करें, SMS भेजें, दैट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 5 years फाउंडेशनल ईयर्स की बात कर रही हूँ मैं, खाली एक क्लास की बात नहीं कर रही हूँ। सो मदर टीचर इज देयर टिल अप टू ग्रेड 2, है ना। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी विद द चाइल्ड, एंड आई एम श्योर ये NCF मंत्रास आपको हेल्प करने वाले हैं। अब देखिए, जब एक बार रिलेशनशिप अच्छी बन गई तो आप बच्चों की लर्निंग कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो अगेन दीज पॉइंट्स आर फ्रॉम द NCF। यू हैव टू लिसन टू द चाइल्ड, यू हैव टू मॉडल कैसे करना है, बिकॉज यहां पर आप बच्चे, उस बच्चे को आता नहीं है कई बार, राइट। देन क्वेश्चनिंग प्रॉब्लम्स, जब उसको व्हाट हैपेंड, आर यू नॉट एबल टू राइट डाउन होल लाइक दिस, व्हाई आर यू नॉट एबल टू स्केच अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, डू लाइक दिस, राइट। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, एंड देन द चाइल्ड विल स्पीक। सो व्हेन यू आर मॉडलिंग क्वेश्चनिंग, प्रोवोकिंग का मतलब इंक्वायरी बेस्ड, व्हाट विल हैपन इफ द सन विल नॉट राइज, एज अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, राइट। व्हाट विल हैपन, राइट, हाउ डू वी डू दिस, हैव यू डन दिस, कोई स्टोरी सुना रहे तो बीच में पॉज लेकर कैरेक्टर डिस्कशन उनके साथ करना। देन रिसर्च, बच्चों के साथ मिलकर ट्रेजर हंट या ऐसी कोई चीज खेलना जहां पर वो रिसर्च करें एविडेंसेस को, कोई चीज निकाल कर लेकर आए। एंड मेकिंग चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, वेर यू डोंट होल्ड देयर हैंड एंड मेक देम डू लाइक दिस, राइट, इवन टेल द पेरेंट्स नॉट टू डू लाइक दिस, या बच्चे भी बोलने से पहले रैटल कर दें आप उस चीज को। अगर चाइल्ड टेक टाइम, टाइम लगता है पर बच्चा कर लेंगे, यू नो दे आर वेरी वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। और रिलेशनशिप केवल बच्चे के साथ नहीं है, इट गेट्स एक्सटेंडेड टू टीचर, द टीचर्स रिलेशनशिप टू फैमिलीज एंड द कम्युनिटी, एंड दैट इज वाई होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, इवन द चाइल्ड इज पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस कार्ड, इवन द पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस कार्ड, एंड इवन द पीयर्स आर पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस कार्ड अलॉन्ग विद द टीचर्स। आई एम श्योर, पता है ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बस यही सारी बातें करते हुए मैं आपको बस एक रिमाइंड करना चाहूंगी कि मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी एट आई विल वंडर, हमारी टीम ने, वी हैव क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन भारत टू मेक इट अ विकसित भारत, वेयर फाइनेंशियल लिटरेसी बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इट्स अ लाइफ स्किल, राइट। आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे, मैं और मेरी टीम जरूर आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आप बस एक बार मैसेज डालिए, व्हाट्सएप या कॉल, एंड नो मोर अबाउट क्या है ये फाइनेंशियल लिटरेसी। आपके मन में जो जो सवाल आ रहे होंगे वो भी पूछ लीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। NCF की सीरीज के साथ जुड़े रहे, जो टॉपिक्स आप चाहते हैं वीडियो बनाऊ आप डालिए, विल डेफिनेटली मेक। आज के लिए जय हिंद।